ऐसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं प्राप्त हुई है। अब यात्रा रे गल ध्यान दे या ना ध्यान दे, कोनो व्यक्ति फोन कर दिसु के बाद तो देखा तो पुलिस प्रशासन सब बकता रेलवे स्टेशन में पहुंच गए और भैया ट्रेन का रोक करके जांच पड़ताल की जाती है। ट्रेन के अंदर देखा जाती है कि कौन सी वस्तु रखी पड़ी है। वैसे दिक्कत की कोई बात नहीं रहा है, ऐसे कोनो भैया संदिग्ध वस्तु नहीं रहा है, लेकिन लोग बहुत घबरा गए थे कि पता नहीं बीमा का रखा पड़ा हो। आपका बता दें कि बरौनी से ग्वालियर जा रही बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन में भैया कोनो संदिग्ध वस्तु रखे की सूचना मिली रहा, इसके बाद हड़कंप मच जाती है। तमाम भैया पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर जाती है, बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम जाती है, डॉग स्पॉट टीम जाती है। देखा तो भैया ये बाकायदा सब डॉग पहुंच गया, सब देखे दाखत रहा है, सूंग सांग के सब बतावत रहा है। आपका यह बता दें कि देखो भैया ट्रेन को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर रोका गया, करीबन एक घंटे तक भैया तलाशी की गई, सबको देखा दाखा हुआ, उसके बाद बकायदा ट्रेन का रवाना किया हुआ। बतावा जाती है कि कम से कम भैया 52 मिनट बाद ट्रेन का रवाना किया हुआ बाराबंकी से। वैसे दिक्कत की कोई बात नहीं, मामले की जानकारी बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी सीएन सिन्हा जी दे रहे थे। सुनो भैया इसके पीछे हाँ एक ग्वालियर बरौनी ट्रेन है और इस संबंध में एक फोन आया था कि इस ट्रेन में फुलगावारिस वस्तु रखी गई जो संदिग्ध हो सकती है। इस सूचना पर सभी इंस्पेक्टर जीआरपी, इंस्पेक्टर आरपीएफ, हमारी जो आर्मी की टीम है वो सिविल पुलिस, हमारे सीओ सिटी साहब, सीओ सदर और पूरी टीम ट्रैफिक और सब सभी आए या पुलिस को भेज दिया है। डॉग स्क्वाड के साथ इस पूरे ट्रेन की सघन चेकिंग कराई गई है। कोई भी ऐसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नहीं प्राप्त हुई है। ये करीबन एक घंटे के आसपास चेकिंग कराई गई है और इसमें यात्रियों को कोई किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है। ट्रेन को समय से यहाँ से करीबन 10:31 पर रवाना भी किया गया है, तो ट्रेन पूरी तरह सुरक्षित है। बाराबंकी जिले के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी सीएन सिन्हा जी की बातें सुनिए आपने। भैया दिक्कत की कोई बात नहीं है, बाराबंकी का पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट रहता है। जैसे भैया कोई सूचना मिला थे तुरंत बकायदा पहुंच जाती है, जड़सो लापरवाही नहीं करती है, सब देखे दाखे लगाती है और भैया किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देख सकते हो सीओ साहब रहे, तमाम भैया इंस्पेक्टर साहब रहे, आला अधिकारी रहे, सब मौके पर रहा, भैया डॉग स्पॉट की टीम भी थी और देखा तो बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन को चेकिंग करने के बाद रवाना कर दिया गया। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिवम भाई से हाजू घड़ी पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तुम लोग यार कमेंट करा करो, वीडियो शेयर कीन करो, बड़ी मेहनत से खबर लगाते हैं।